सिख पंथ दे सत्कार गुरमुख प्यारे दा जिक्र सुन रहे हो। हुण गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत दी दात दित्ती भाई मनी राम तो मनी सिंह सज गए। एक और माण करो जिहड़ा असीं कहिंदे आ ना बवंजा कवि गुरु गोबिंद सिंह दे दरबार दे उन्हां बवंजा कवियां चों भाई मनी सिंह जी मुखी कवि सी। आखो सतनाम मुख कवि भी सी उन्हां बवंजा कवियां चों भी होए भाई मनी सिंह। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने पंथ प्रकाश लिखिया है कवि बवंजा थे गुरपास, कवि बवंजा थे गुरपास उनमें गणना इनकी खास। आखो सतना उनमें गणना उन्हां जिन्हां दी गिणती खास सी भाई मनी सिंह जी। ए ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने पंथ प्रकाश लिखे बवंजा कवियां चों कवि बड़े। और अगे वेखो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने चरणां च किन्ना माण दित्ता। महाराज कहिंदे असी जदों बाणी उचारीए ते भाई मनी सिंह जी तुसीं लिखणी है। आखो सतनाम आज दर्शन करियो कल इहनां ते। पिता जी दी चौंकड़ा वज्जा गुरु गोबिंद सिंह जी ते कोई छोटियां सेवा नहीं की पता कदों मौज आ जाणी है बाणी। ओ हर वेले सेवा च तत्व हर वेले तैयारी। दर्शन करो जी गुरु गोबिंद सिंह का वज गया चौंकड़ा ते मुख चो की निकलिया कलगियां ले दे। जिमी तू ही जम्मा तू ही मक्की तू ही ओ मक्का तू ही। जिमी तू ही जम्मा तू ही मक्की तू ही मक्का तू ही। जिमी तू ही तू ही मक्की तू ही मक्का तू ही। जिमी तू ही जमा तू ही मक्की तू ही मक्का तू ही। चतुस तू ही व्रतस तू ही चतुस तू ही मतस तू ही लागी समाधि। अखीर ते गुरु गोबिंद सिंह जी तू ही तू ही तू ही तू ही जुड़ गए। आ सारा शब्द जिमी तू ही जमा तू ही मक्की तू ही मक ए खीर ते जी तू ही तू ही। लो एक मिनट रस जी तू ही 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 तू ही
संगत जी आशक हो जाओ कलगियां ले ले चौंकड़ा किथे वज्या हो जिमी तू ही जमा तू ही मक्की तू ही मक्का सारा शब्द उचार के खीर ते जुड़ गए तू ही तू ही नहीं ते सिख थोड़ा ढिला होवे वो कवे हुण बाबा तू ही कही जांदा ते मैं हुणे भी लिखी जावा भाई पिंदरपाल सिंह ने 6 घंटे लिखिया जी 6 घंटे के 8 घंटे के 10 घंटे गुरु गोबिंद सिंह यही बोली गए तू ही तू ही तू ही तू ही कलगियां ले जदों नेत्र खुले ते पुछदे आ कहंदे भाई मनीष सिंह जी आ तू ही जिनियरी बोलिया सारा ही लिखी गए कहंदे महाराज हुकम सी जो असीं बोली है लिखण ते गुरु गोबिंद सिंह कहंदे कहंदे किन्नी क वारी लिखिया गया कहंदे जी 16,000 वारी आखो सतनाम 16,000 वारी ते गुरु गोबिंद सिंह कहंदे है 16 वारी ए शब्द दे थले लिखिया रहण दियो ए शब्द कोई प्यार नाल भिज के पड़ेगा पड़ेगा ते 16 वारी नाल ही 16,000 दा मातम झोली जाए गज के कह दियो सतनाम ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਆਹਾ 3-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰਟ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਨਾ ਪਏ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 5 ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਅਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਨੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਲਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮਨੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਅਣਖ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਇਹ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਫਰਜੰਦ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਮਹਿਰਮ ਨੇ ਮਹਿਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਮਹਿਰਮ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਕਾਰਾ ਤਕੜਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ
अगे आगे की लिखते हैं, कहते भाई मनी सिंह मेरा इन्ना प्यारा सिख है कि एदे परिवार ते मेरे परिवार च कोई अंतर ना समझ। एदे परिवार ते मेरे परिवार च कोई अंतर ना समझना। कोई सिख भाई मनी सिंह दे परिवार दी किसे पक्ष तो कोई सेवा करदा है, गुरु गोविंद सिंह ने लिखिया वो मेरी सेवा है। हुण अज तुसी सुन लो, अज दे इक शहीद दा इतिहास प्यार नाल सुन रहे हो ते गुरु दा ही इतिहास गज के कह रहे हो। बस हुण नेड़े आ गए जी, कह दे करी जरा गुरमुख परे उपकारी निरला, गुरमुख परे उपकारी निरला, गुरमुख परे उपकारी निरला। सत संगत हुण आजो सिद्धे साबो की तलवंडी आपस साथ में। बाबा जी ने पेट तो साडे कलगी वाले ने कमर कस्सा खोलता, कहते हुण जंग का कमर कस्सा खोलता हुण संथिया आपो साथ, हुण गुरबाणी दी खोज। पिता जी का वज गया चौंकड़ा, धीरमल ने ना कीती सरूप देण तो, गुरु गोबिंद सिंह जी ने आत्मक बल नाल चौंकड़ा मार के 9 महीने 9 दिन 9 घड़िया विच सारी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी जबानी उचारण कीती ते महाराज बोलदे रहे ते भाई मनी सिंह शहीद लिखदे रहे और बाबा दीप सिंह कागज ते कलमा दा प्रबंध करदे रहे जकारा दे उत्ते आना दे रहे 9 महीने 9 दिन। और यह भी लिखे है जी, गुरु गोबिंद सिंह ने अर्थ लिखे नहीं, सरवण कराए। मार कहते सरवण करा दे 48 सिंह से जी, जब गुरु गोबिंद सिंह ने अर्थ कराए ना गुरु ग्रंथ साहब के साबो की तलवंडी, 48 सिंह जिन्हें सरवण किए। गुरु गोबिंद सिंह के अर्थ सुनने विच इन्नी कृपा सी, ये लफज सुनने औखे होण, बदे मुकत शरीर समेत दरगाह नूं लज के आखो साख, सिंह बदे मुक्त होना शुरू हो गए ते कलगी धर कहण लगे भी टकसाल किवें चलू लज के आखो साख, टकसाल किवें चलू भाई सिंह शरीर समेत। ते महाराज ए संत कृपाल सिंह यानी भाई मनी सिंह की टकसाल चो उन्हां दी किताब है। फिर भाई मनी सिंह ते बाबा दीप सिंह जी नूं रोक लिया, बाबा दीप सिंह जी की ड्यूटी गुरु गोबिंद सिंह जी ने लाई साबो की तलवंडी दमदमा साहब ओ दमदमी टकसाल, भाई मनी सिंह जी की ड्यूटी अमृतसर लाई कि तुसी इत्थे हुण सारा गुरबाणी नाल सिखां नूं जोड़ना। और भाई मनी सिंह जी गुरु रामदास के घर के हैड ग्रंथी भी आपको साथ, और भाई पिंदरपाल ने किताबा लिखे जेड़े अंदर अरदासी है वो भी नियुक्त किए, ग्रंथी सिंह दरबार साहब वो भी नियुक्त किए, हैड ग्रंथी की सेवा वो भी निभाई। तो साध संगत रोज गुरबाणी के अर्थ उन्होंने भी जोड़िया। आ रही सी दिवाली, बस हुण अखीरला ये पैरा जी, बहुत सारे खालसे ने राय दित्ती कि दिवाली नूं सारे सिखां दा कट सदीए हरिमंदर साहब, ते भाई मनी सिंह जी की ड्यूटी लाई कि तुसीं जकरिया खान नाल गल करो कि दिवाली नूं टोटल सिख जड़े आ। देखो इहो जिहा वेला साडे ते आया अमृतसर सिखां नूं आउण दी आग्या नहीं,
इजाजत नहीं सी, एडिया पाबंदियां दा टाइम लंघिया अपने। खालसे ने कहा भी तुसी गल करो जकरिया खान, ते सुबेग सिंह राही सुनिया भेजिया ए आला भाई दिवाली नूं असीं इकट्ठ करना चाहते हैं, सिख जिथे जिथे है इथे इकट्ठ होवे। ते अगों जकरिया खां कहिंदा जे इकट्ठ करना है ते मैनू टैक्स देना पवेगा। आ वेले लंघे हटे उदों दा 10,000, अज दा मेरा ख्याल करोड़ां ला लो आखो सातां वी इन्ना टैक्स लाऊंगा। तां अगों भाई मनी सिंह कहिंदे है दिवाली तो बाद जेड़ी फिर सिंगा दा दसवंध आएगा वी टैक्स दे देंगे, दिवाली नूं कट कर रहा हो गया जी फाइनल। हुक्मनामे भी कटते दिवाली नूं कट है हरिमंदर साहब। जकरिया खां कोल खड़ा सी लखपत राय, लखपत राय ने जकरिया खां नूं की कहा कि इस तो वधिया मौका ही कोई नहीं, असी सिखां दे सिरां दे मुल रखदे आं, असी सिख लभदे आं, ये हुण एक जगह कट्ठे हो रहे ने, जकरिया खां सारयां नूं कतल कर दे। भाई मनी सिंह तक खबर पहुंच गई आखो सतनाम। उन्हां फिर सुनेहे भेजे रुक जाण दे, इहदी नीयत माड़ी आखो सतनाम, इहदी नीयत माड़ी। बस वो एक मिनट खीरले वेले दे दर्शन करियो। कुछ सिंह भाई पिंडरपाल सिंह होरां ने कहा जिहड़े राह विच नहीं सुनिया, कई शहीद भी हो गए। ते उन्हें जो टैक्स मंगिया भाई मनी सिंह ने टैक्स कहदा दे जो कट ही नहीं किया। उस तो अगे की होया जी, बस एक मिनट दर्शन करो, एक बारी कह दियो गुरमुख पर उपकारी ਅੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਸਤਨਾਮ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਓ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲਾਹੌਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। गिरफ्तारी तो बाद जकरिया खां ने आख्या हरिमंदर साहब का सरोवर मिट्टी नाल पूर दे, और काजी कोलों फतवा जारी कराया कि भाई मनी सिंह या इस्लाम कबूल कर लवे नहीं तो एदा बंद बंद कट दिता जाए। तैयारी हो गई, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੂੰ ਆ ਲੈ ਲੈ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੱਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁੱਟ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਜਲਾਬ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤੂੰ ਬੇਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਆਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ
कोटे तो कटन लगा बंद बंद सिर चुकायो भाई मनी सिंह जी ने सुखमनी साहब का पाठ आरंभ कर दिया आखो सतना सुखमनी साहब का पाठ आरंभ करता और सिर झुका के तगड़ा जकारा दो क्यों जदों भाई मनी सिंह जी का बंद बंद कटन लगे उस वेले भाई मनी सिंह की उम्र किन्नी है 90 साल का बुजुर्ग देखो एक होंगे जवानी एक है 40-45 एक है 90 साल की उम्र पर बाणी ने मन नु डोलन नहीं दिता और इथों तक इतिहासकारा लिखिया जदों तक बंद बंद कटींदा रहा भाई मनी सिंह शहीद सुखमनी साहब का पाठ अडोल करते रहे पाठ की पूर्ण समाप्ति तो बाद सात संगत शरीर रूपी चोला छड़िया गज के कह दो सतनाम